नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम निशा है। हर साल की तरह इस साल भी पूरे देश भर के साथ साथ विदेशों में भी कृष्ण भक्त धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की तैयारी में जुट चुके हैं। वहीं कई जगहों पर बाकी बिहारी के लिए खास तैयारियां भी की जा रही है। मथुरा में भी जन्माष्टमी को लेकर के तैयारियाँ शुरू कर दी गई है। इस दिन वृंदावन और मथुरा में बड़े ही हर्षों के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस साल पंचांग में पड़े तिथि के अनुसार जन्माष्टमी दो दिन यानी कि 18 और 19 अगस्त को मनाई जाएगी। 18 अगस्त को रात 9:21 से अष्टमी तिथि शुरू हो रही है। वहीं 19 अगस्त शुक्रवार की रात 10:50 पर ये खत्म हो जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी दिन कृष्ण का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस साल जन्माष्टमी 18 अगस्त को मनाई जाएगी, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जन्माष्टमी 19 अगस्त को है। अगर आप भी जन्माष्टमी की तिथि को लेकर कंफ्यूज हैं तो जान लीजिए कि जन्माष्टमी कब मनाई जा रही है। वैसे तो धार्मिक मान्यता की बात की जाए तो बाल गोपाल का जन्म रात 12 हुआ था। रात्रि में ही उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है, लिहाजा रात्रि में कान्हा का जन्म उत्सव मनाने के लिए लोग धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं और ये दिन 18 अगस्त को शुभ माना जा रहा है। वहीं अगर सूर्य देव की दृष्टि से बात की जाए तो 19 अगस्त को पूरे दिन बाल गोपाल की जयंती मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रख कर उनकी विशेष पूजा की जाती है। मध्य रात्रि में लड्डू गोपाल की आराधना करने पर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बता दें कि कान्हा का जन्म स्थान मथुरा है और मथुरा में 19 अगस्त को ही बाल गोपाल का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। इस साल खास बात यह है कि 18 और 19 अगस्त को दोनों ही दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन रहा है। इस दिन बाल गोपाल की जयंती पर उनके भक्त व्रत रखकर उनकी विशेष पूजा अर्चना करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि मध्य रात्रि में लड्डू गोपाल की आराधना करने से सुख समृद्धि मिलती है, साथ ही धन की प्राप्ति भी होती है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस बार भी जन्माष्टमी बहुत खास होने वाली है। इस दिन वृद्धि योग्य का योग्य बन रहा है। मान्यता है कि इस योग्य में पूजा करने से माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको बता दें कि इस बार जन्माष्टमी दोनों ही दिन मनाई जा रही है, लेकिन अगर माना जाए तो काफ़ी जगहों पर जन्माष्टमी 19 अगस्त को मनाई जाएगी। बहरहाल, आप तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी खबर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।